सभी भारतीय खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल भारत को 40 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करने का मौका मिला है। इससे पहले वर्ष 1983 में नई दिल्ली में इस बैठक का आयोजन हुआ था। बीते शनिवार को बीजिंग में हुई इस 139वीं बैठक के दौरान भारत ने अगली बैठक की मेजबानी का अधिकार हासिल किया। इस दौरान किसी भी देश ने भारत का विरोध नहीं किया और अब 2023 में भारत दूसरी बार ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करेगा, जबकि मुंबई में पहली बार यह बैठक होगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की इस 139वीं बैठक में भारत की तरफ से अभिनव बिंद्रा, आईओए के प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा और आईओसी रिप्रेजेंटेटिव भारत की तरफ से नीता अंबानी शामिल हुई थी। बैठक में भारत के खेल और युवा मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि ये अचीवमेंट खेल जगत में भारत के विशाल कदमों को दर्शाता है। तो दोस्तों, भारत में ओलंपिक खेलों जैसे मेगा इवेंट के आयोजन का जो सपना है, उस ओर ये आईओसी बैठक का भारत में होना एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत को आईओसी 2023 सत्र की मेजबानी का अधिकार देने के आईओसी के इस फैसले की सराहना करते हुए ट्वीट किया और कहा कि मुझे विश्वास है कि यह एक यादगार आईओसी सत्र होगा और विश्व खेलों के लिए सकारात्मक परिणाम देगा। तो अब हर भारतीय ये उम्मीद करेगा कि जल्द से जल्द भारत किसी बड़े ओलंपिक खेल आयोजन की मेजबानी करे और विश्व खेलों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। वो चाहे समर ओलंपिक की मेजबानी हो, विंटर ओलंपिक्स हो या यूथ ओलंपिक्स ही क्यों ना हो।